वीरेश का सवाल है कि क्विक डिसीजन मेकिंग कर तो लेते हैं, जो भी करना है उसमें तुरंत कूद तो जाते हैं, निर्णय त्वरित हो जाते हैं, पर फिर बाद में झंझट खड़े होते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं। वीरेश, ये पंखे चल रहे हैं, ये ट्यूबलाइट जल रही हैं, आप थोड़ा मेरी मदद करिए, इनमें से कोई पंखा या कोई एक ट्यूबलाइट थोड़ा बंद करिएगा। हाँ, इन्होंने बटन दबाया, इस ट्यूबलाइट को बंद होने में कितना वक्त लगा? ठीक, इन्होंने दोबारा बटन दबाया, उसको दोबारा जल जाने में कितना वक्त लग गया? मैं क्यों ना कहूं कि ये जो ट्यूबलाइट है, इसकी बड़ी अद्भुत रूप से तेज निर्णय करने की क्षमता है, तुरंत जलती है, तुरंत बुझती है, तुरंत जल भी उठती है, तुरंत बुझ भी उठती है। कितना तेज, कितनी खूबी के साथ ये अपने निर्णय कर लेती है, बटन दबा नहीं कि बंद, और बटन दबा नहीं कि जलने की प्रक्रिया चालू। यही हाल इस पंखे का है, यही हाल इस पंखे का है। ये रुमाल है, इसको हाथ में ले रखा है और छोड़ दूं, मैंने छोड़ दिया तो क्या ये हवा में अटका पड़ा रहा कि गिरूं कि ना गिरूं, निर्णय करता रहा? मेरा इसको छोड़ना और गिरने की प्रक्रिया का शुरू होना, इसमें कितनी देरी थी? मैंने इसे छोड़ा, मेरे छोड़ने के कितनी देर बाद इसका गिरना शुरू हो जाता है? तुरंत, छोड़ा नहीं कि गिरना शुरू। अब करने को यह दावा किया जा सकता है कि इस रूमाल में गजब की निर्णय क्षमता है, बहुत डिसाइसिव रूमाल है ये, बिल्कुल जानता है क्या करना है, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। ये रूमाल, ये पंखा, ये बिजली, ट्यूबलाइट, सब कुछ बेटा, सिर्फ इसलिए कि कुछ तुरंत हो रहा है, ये मत समझ लेना कि उसमें निर्णय सम्मिलित है। क्या ये ट्यूबलाइट निर्णय करती है जलने या बुझने का? क्या ये रूमाल निर्णय करता है गिरने का? सोडियम पर जाकर के थोड़ा पानी डाल दो, सोडियम पर जाकर बस कुछ छींटे डालो पानी के, कितनी देर में धुआं उठता है? कितनी देर में? तुरंत। अमोनिया को मिला दो क्लोरीन से, देखा है वो कोहरे जैसा हाल होता है, कितनी देर में होता है? तुरंत। क्या अमोनिया या क्लोरीन, क्या सोडियम और पानी निर्णय करते हैं कि कुछ करना है? कोई निर्णय शामिल नहीं है, फिर भी काम तुरंत हो रहा है। हमारे जीवन में जो भी त्वरा है, त्वरा मतलब इमीडिएसी, स्पॉन्टेनिटी, हमारे जीवन में जो भी त्वरा है वो ऐसी ही है, जिसमें कोई निर्णय शामिल नहीं है, सिर्फ हमारी कंडीशनिंग शामिल है। वो एक तरह का रिएक्शन है, वो एक तरीके का रिएक्शन है, ठीक वैसा ही जैसा सोडियम और H2O के बीच में होता है, एक रिएक्शन है। उस रिएक्शन में कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई विवेक नहीं है। सोडियम की संरचना कुछ ऐसी है कि जैसे ही उस पर हाइड्रोक्सिल आयन पड़ेगा उसको तुरंत रिएक्ट करना ही करना है, ठीक वैसे ही हमारी संरचना कुछ ऐसी है कि हमारे कानों में एक शब्द पड़ेगा और हमें रिएक्ट करना ही करना है। जैसे कुछ बटन है जिनको दबाने से ये पंखे और ये ट्यूब काम करना शुरू कर देते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, ठीक वैसे ही हमारे भी कुछ मानसिक बटन हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं कुछ शब्द हैं जो हमसे कह दिए जाएं, हम उत्तेजित हो जाएंगे, गुस्से में आ सकते हैं। कुछ दूसरे शब्द हैं जो हमसे कह दिए जाएं, कुछ दूसरे व्यक्ति हैं जो हमसे वो सब शब्द कह दें, हम शांत हो जाने लगते हैं। कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमारा निराश हो जाना और तनाव में हो जाना पक्का है करीब करीब,
बिल्कुल पता है कि अगर रिजल्ट चिपका हुआ है दीवार पर या इंटरनेट पर आप देख रहे हो और उसमें एक हद से नीचे हैं आपके अंक, तो आप पे क्या बीतेगा? बिल्कुल पहले से ही पूर्व निर्धारित है, प्रिडिक्टेबल है, पहले से ही कहा जा सकता है कि 100 में से 17 नंबर आए हैं तो आपकी शक्ल कैसी हो जानी है, बिल्कुल पता है। और पहले से ये भी पता है कि 100 में 70 आए हैं तो क्या हो जाना है। इसमें निर्णय है कहाँ? ये तो ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे कोई मशीन काम करती है। मशीन का पहले से ही पता है ये बटन दबा तो ये होगा। हमारा पहले से ही पता है किसी ने आकर के ये गाली दी तो हाथ चलना पक्का है। जैसे पंखे का घूमना पक्का है, वैसे ही हमारे हाथ पांव का चलना पक्का है। बिल्कुल अच्छे से पता है कि फलाना व्यक्ति आके फलाने शब्द बोल दे तो हम बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। और यही कारण है कि हमारा शोषण भी हो पाता है। पूरी दुनिया को पता है कि इसको काबू में कैसे करना है, फलानी स्थिति में इसको डाल दो ये काबू में आ जाएगा, अमुक व्यक्ति को इसके पास भेज दो ये काबू में आ जाएगा। क्या हुआ? वो काम नहीं कर रहा, ये रुक जा अभी करवाता हूँ, उससे कहलवा फिर वो काम कर देगा। अब इसको पहले ही पता है कि अगर तुमसे काम करना है, काम करवाना है, तो इस व्यक्ति को भेजे, इसके प्रभाव में तुम काम कर दोगे। इसको भी पता है कि इस व्यक्ति के पास क्षमता है तुम्हारा मानसिक बटन दबा देने की। ये आएगा, तुमसे कुछ बातें कहेगा, कुछ न भी कहे तो उसकी शक्ल ही काफ़ी है तुम्हें कुछ काम करा देने के लिए। ये पूरा मटेरियल जैसा जीवन है, मटेरियल। लोहा आता है, चुंबक तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। लोहा आता है, चुंबक तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। क्या चुंबक ने निर्णय लिया था लोहे को खींचने का? क्या लोहे की ये जो कीले हैं, इन्होंने निर्णय लिया था कि जब मैग्नेट पास आएगा तो हम अट्रैक्ट हो जाएंगे? किसी ने कोई निर्णय लिया, फिर भी घटना घट रही है। जीवन हमारा ऐसा ही है, निर्णय कोई है ही नहीं, बस एक ऑटोमेटिक तरीके से, निर्जीव तरीके से, प्री प्रोग्राम्ड तरीके से घटनाएं घट रही हैं, उसमें कहीं कोई समझ नहीं है। निर्णय तो वो करे जो बातों को समझता हो, और तब उसे निर्णय करने में कोई विशेष कष्ट होता नहीं है। जिसको समझ है उसके निर्णय तुरंत हो जाते हैं। निर्णय हमारे भी तुरंत हो जाते हैं, पर गहरी ना समझी में। देखो, तीन तल होते हैं। सबसे जो नीचे वाला तल होता है वो वही है, सोडियम और पानी। वहाँ कोई निर्णय नहीं करना होता, पानी पड़ा नहीं कि सोडियम फटा नहीं, कोई निर्णय करना ही नहीं है। उससे ऊपर वाला तल होता है उलझन का। यहाँ पर निर्णय करना पड़ता है, यहाँ पर तुम्हारे सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं कि चार पांच रास्ते हैं, किस रास्ते पर जाऊं। और उससे भी ऊंचा तल होता है समझ का, वहां पर भी कोई निर्णय नहीं करना पड़ता। वहां तुम सोचोगे नहीं कि ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, किसमें अप्लाई करूं। तुम्हें पता है कि तुम्हें जिंदगी कहाँ बितानी है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, कोई उलझन दुविधा जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। तो तुम जब कहते हो कि बहुत जल्दी निर्णय कर लेता हूं फिर बाद में पछताता हूं, तो मैं तुम पे छोड़ता हूं कि ये देख लो कि तुम पहले तल पे हो या तीसरे तल पे हो। पहले तल पे भी निर्णय नहीं करने पड़ते और तीसरे पर भी नहीं निर्णय करने पड़ते। पर पहले पर नहीं करने पड़ते क्योंकि पहले पर तुम कैसे हो, पहले पर कैसे हो, हाँ, निर्जीव। और तीसरे पर क्यों नहीं करने पड़ते? क्योंकि तीसरे पर तुम कैसे हो, बहुत समझदार। जो बहुत समझदार आदमी होता है, जो बिल्कुल चीज़ों को साफ साफ देख लेता है, निर्णय उसे भी नहीं करने पड़ते क्योंकि वो इतना साफ साफ समझ रहा है कि निर्णय क्या करने, बात पूरी स्पष्ट है, निर्णय क्या करना है। अभी तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम दूसरे तल पर आ जाओ। दूसरे तल पर उलझने होती हैं, दूसरे तल पर आदमी को सोचना बहुत पड़ता है। अभी तो ऐसे ही हो जाओ कि खूब सोचो, अपनी सोच को जागृत करो, चीज़ों को बस स्वीकार ही मत कर लो, थोड़ा उनको ध्यान से देखो, उन पर विचार करना सीखो। समझ रहे हो? और ये देखो कि मैं किन बातों में जल्दी से कुछ भी करना शुरू कर देता हूँ। जहाँ ही तुम बहुत जल्दी से कुछ भी करना शुरू कर रहे हो, वहाँ ही संभावना यही है कि विचार का अभाव है। तुम पता ही नहीं है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो।
और अगर सोचोगे तो ये जल्दबाजी मिट जाएगी, अगर सोचोगे तो ये जल्दबाजी मिट जाएगी। थोड़ा उलझन में पड़ोगे, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़े तनाव आएंगे, पर वो दिक्कतें अच्छी हैं, वो तनाव अच्छे हैं। अंधे की तरह जीवन जीने से, बिल्कुल एक पदार्थ की तरह जीवन जीने से अच्छा है कि तुम उलझन में पड़ जाओ, तनाव महसूस करो। सोडियम कोई तनाव नहीं महसूस करता, लोहा और मैग्नेट कोई तनाव नहीं महसूस करते। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अभी थोड़ा सा तनाव महसूस करो, ये तनाव बहुत दिन तक रहेगा नहीं। अगर इस तनाव से पूरी तरह गुजरोगे तो ये तनाव भी धीरे धीरे मिट जाएगा, पर अभी तो ज़रूरी है कि सोच का तनाव अनुभव करो, सोच में घुसो, विचार करना सीखो। जिन बातों को बस यूं ही उड़ा देते हो उनको कंसीडर करो, उनको जानने की कोशिश करो कि ये मामला क्या है। आदमी के पास सोच की शक्ति है और वो बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से ज़्यादातर उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, सोचते ही नहीं हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दिन रात सोचते रहना अच्छी बात है, पर जो व्यक्ति सोचता ही ना हो, बस जल्दी से कर डालता हो, उसको तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि रुक, तू पहले तो सोचना सीख, तू पहले तो विचार की ताकत को जगा, और बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है वो इंसान को इंसान बनाती है। तो थमना ठीक सीखो, ठहरना सीखो, कोई बात सामने आती है एक बार को अपने से पूछना सीखो कि मैं इस पर ऐसा क्यों कर जाता हूँ, जब भी ऐसी स्थिति आती है मेरा यही हाल क्यों होता है, छोटी छोटी बात से ही मुझ पर तनाव क्यों छा जाता है। मैं फर्स्ट ईयर में था तो इस बात को लेकर के तनाव में था, दूसरे साल में आया तो दूसरे नए तनाव आ गए, तीसरा साल आया तीसरे नए तनाव आ गए, अब इस साल में आया हूँ तो अब और नए झंझट खड़े हो गए हैं। मतलब समय बीत रहा है, स्थितियाँ बदल रही हैं, तनाव नहीं बदल रहा। स्थितियाँ बदल रही हैं, तनाव कायम है। तनाव की वजह बदल सकती है, कारण बदल रहे हैं, पर तनाव नहीं बदल रहा। उलझनों के कारण बदल रहे हैं, उलझने नहीं बदल रही। तो ये अपने आप से पूछो, इस पे सोचना सीखो, विचार करो, पूछो अपने आप से कि आज से चार साल पहले भी मेरे लिए शांत बैठना संभव हो जाता था, आज भी वैसा ही हो जाता है, तो बात क्या है। ठीक है।